अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं आपको अपडेट दूंगा अपने अरबी के सीड्स की, यानी अरबी के जो बल्ब होते हैं वो मैंने इस दो गमलों में लगा दिए थे। और मैंने क्या किया था, इनके चारों तरफ मैंने ऐसे लगाए थे ताकि बीच में हमें एक जगह मिले और यहाँ पर हम टमाटर का या फिर हम कोई और पौधा लगा सकें, टमाटर का या बैंगन का। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी लगाए थे। और आप ये देखें, एक वो जर्मिनेशन हो रही है, एक ये जर्मिनेशन हो रही है और एक ये जर्मिनेशन हो रही है। और देखते ही देखते अब ये दोनों गमले यहाँ पर भर जाएंगे। तो जब भी आप अरवी का पौधा लगाएं तो कोशिश करें कि आप उसके साथ कोई और पौधा भी ज़रूर लगाएं, ताकि आप जगह को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। चूँकि ये बहुत बड़े बड़े गमले हैं, ये तकरीबन 16 से 18 इंच के मेरे ख्याल से गमले हैं, तो मैंने इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए ये काम किया है। अरवी का पौधा लगाने के बाद आपने ख्याल रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा पानी देना है, उससे आपके जो अरवी के पौधे हैं वो गल सकते हैं, और ना आपने कम पानी देना है जिससे वो शॉक में चले जाएंगे और ग्रो नहीं करेंगे। तो पानी आपको बहुत ही माफ़ मकदार